SN1 SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है बताओ भाई। SN1 में तो तृतीयक एल्किल है वो ज्यादा प्रदूषित होता है, और SN2 में उसमें प्राथमिक एल्किल। प्राथमिक है वो कम। क्या हुआ? SN2 में SN1 में क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ रहा हूं मैं। SN1 में कौन सा मिश्रण? रेसिमिक मिश्रण बनता है। और रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण क्या होता है बताना जरा। रेसिमिक मिश्रण, हाँ, दो प्रतिबिंब समावयवियों का 50-50 प्रतिशत मिश्रण, यानी कि 1:1 के एक अनुपात एक में जो मिश्रण होता है उनका बराबर मात्रा में जो मिश्रण होता है उसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। अच्छा, रेसिमिक मिश्रण ऑप्टिकली प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है या असक्रिय? असक्रिय होता है, क्योंकि दोनों जो प्रतिबिंब समावयवी हैं उनकी 50-50 प्रतिशत मात्रा हमने ले ली तो दोनों एक दूसरे के प्रकाशिक घूर्णन को कैंसिल कर देते हैं, है ना, और इसलिए जो मिश्रण है वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो SN1 में ये जो रेसिमिक मिश्रण है वो क्यों बनता है भाई? क्या कारण हुआ कि रेसिमिक मिश्रण बना इसमें बताओ? SN1 में ऐसी क्या खास बात हुई कि रेसिमिक मिश्रण बना? SN1 में रेसिमिक मिश्रण बना ऐसा क्यों? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जो बनने वाला कार्बन है ना, तो उसकी संरचना समतलीय होती है। संरचना समतलीय होती है जिसकी वजह से जो आक्रमण करने वाला नाभिक स्नायु ऊपर से और निकलने वाले जो नाभिक स्नायु होता है एक्स माइनस उसकी दिशा में या विपरीत दिशा में दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। हाँ, यस 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 यस, ठीक है। तो जो संरचना समतलीय होती है किसकी? कार्बोधनायन की। इस तरह की संरचना होती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर की सतह से, और एक संभावना तो ये हुई अटैक करने की, और दूसरी संभावना क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल नीचे की सतह से आक्रमण कर सकता है, इससे दो उत्पाद बनते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। देखो मैं इसको बताता हूं आप लोगों को, बना करके इंक में कर लेता हूं चेंज। यस, ये देखो, ये है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इसका आक्रमण न्यूक्लियोफाइल से, दो रास्ते हैं अटैक होने के, एक तो ऊपर की साइड से, एक होता है नीचे की साइड से। तो ये हुआ ऊपर की तरफ से आक्रमण। जब ऊपर की तरफ से आक्रमण होगा तो ये जो तीनों वैलेंसीज हैं R1 R2 और R3, ये जो तीनों एल्किल ग्रुप हैं, ये नीचे की ओर झुक जाएंगे। जैसे ही ऊपर की ओर, ऐसे प्लेनर है, जैसे ही ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे उसको एडजस्ट करने के लिए, टेट्राहेड्रल बनने के लिए, है ना। तो ये हो गया, अब संरचना क्या हो गई? इसकी संरचना ऐसे हो गई, ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया R1 R2 R3, ठीक है। अब यदि न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा तो ये ऊपर की ओर झुक जाएंगे, है ना, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा कहां? नीचे की ओर, ये लो। और अभी इसकी संरचना क्या हो गई? अभी इसकी संरचना इस तरह से हो गई, R3 R2 R1। ये देखो, ये बीच में दर्पण लगा दो आप चाहे तो, ये जो दोनों कंपाउंड हैं, दोनों प्रोडक्ट हैं, है ना, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, ठीक है, और दोनों ही ये प्रतिबिंब समावयवी हैं, है ना, मिरर इमेज है और कायरल है, किरेल है। तो दोनों के बनने की 50-50 प्रतिशत संभावना होती है, इसलिए जो बनने वाला मिक्सचर होगा उसमें ये दोनों, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें इन दोनों की मात्रा होगी बराबर 50-50 प्रतिशत, इसलिए बनने वाला जो मिश्रण होगा वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय होगा और उसे कहते हैं रेसिमिक मिश्रण, ठीक है। क्या कहते हैं बोलना जरा? रेसिमिक मिश्रण, ठीक है। तो रेसिमिक मिश्रण को कैसे दिखाते हैं, कुछ याद है? ये प्रकाशिक रूप से, देखो, असक्रिय होता है, प्रकाशिक रूप से
असक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये, और इसको या तो डीएल से दिखाते हैं क्योंकि इसमें डी और एल दोनों का डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी है ना, इन दोनों का 50-50% होता है, या फिर इसको दिखाते हैं प्लस माइनस से, तो इन दोनों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेसिमिक मिश्रण को, ठीक है। इसी तरह से SN2 में क्या होता है बताना जरा, SN2 की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें क्या होता है बताएगा कोई? विन्यास का प्रतिपन होता है क्योंकि उसमें बैक साइड से अटैक होता है। ये देखो ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री इधर है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इस तरह से अटैक करेगा, जैसे ही अटैक इस तरह से करेगा ये जो तीनों ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल तो इधर जुड़ गया और ये तीनों ग्रुप अब इधर आ गए, आर वन आर टू आर थ्री है ना, तो ये इस तरह से हो गया। तो अब ये देखो विन्यास का प्रतिपन्न हो गया, ठीक है, जो जो मॉलिक्यूल ऐसे झुका हुआ था, ऐसे झुका हुआ था है ना, मेरे वीडियो में दिख रहा होगा, वो अब ऐसे झुका हुआ है तो विन्यास का प्रतिपन्न हो गया वो, ठीक है। तो इसे कौन सा इन्वर्जन बोलते हैं बताना जरा, और इसमें जो चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशन, इसे कौन सा वो बोलते हैं प्रतिपन्न बताओ? वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन इन्वर्जन का मतलब होता है प्रतिलोमन, यानी कि विपरीत 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 हो जाना, ठीक है। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का नहीं रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम बताओ SN1 के लिए, बताओ SN1 के लिए बोलो, टर्शियरी कार्बोक्सिलिक टर्शियरी, यस टर्शियरी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी RX, फिर प्राइमरी RX और अंत में CH3X, ठीक है, मिथाइल हैलाइड। अब इसका कारण बताओ मुझे, रीजन? क्योंकि कार्बोनेन। रीजन क्या है इसका, क्यों टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं? क्योंकि इंदु, इंदु बोलो, इंदु इंदु मोनिका तुम बताओ, मोनिका क्योंकि इनका स्थायित्व अधिक होता है ऐसे 3 डिग्री वालों का, 3 डिग्री वाले का स्थायित्व अधिक होता है, किसका स्थायित्व अधिक होता है? कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन का, बेसिकली इसमें वेग जो निर्धारक पद है उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन का जो स्थायी, देखो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होगा वो आसानी से बनेगा है ना, तो ज्यादा स्थायी कौन सा है, टर्शरी से जो कार्बोकैटायन बनता है, टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्शरी RX से जो कार्बोकैटायन बनता है टर्शरी कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है इसलिए आसानी से बनता है, ये आसानी से बनता है तो ये रिएक्शन आसानी से होती है SN1, इसलिए ये जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है ना जिनके कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आसानी से देते हैं क्योंकि ये आसानी से कार्बोकैटायन बनाते हैं, आसानी से क्यों बनाते हैं क्योंकि इनके कार्बोकैटायन स्थायी होते हैं, टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, इसलिए टर्शरी एल्किल हैलाइड SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनसे बनने वाला कार्बोकैटायन स्थायी कार्बोकैटायन होता है जो आसानी से बनता है, ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये यहां पर फैक्टर है जिससे हमें, हम क्रियाशीलता का जो क्रम है वो उसका निर्धारण करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, जिसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, इसलिए ये क्रम यहां पर आ जाता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम और मिथाइल RX उससे कम। SN2 में क्या है भाई, SN2 में कौन सा कारक है जिससे क्रियाशीलता का पता चलता है बताओ? SN2 में रिएक्टिविटी हम किससे बताएंगे क्रियाशीलता? त्रिविम बाधा से। त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा देखो किसमें सबसे ज्यादा होती है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता, कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था इससे रिलेटेड, ठीक है, तो इसलिए टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है, इसका मतलब है CH3 के सबसे ज्यादा होती है, मिथाइल हैलाइड की, उसके बाद में इथाइल हैलाइड है ना, ये हो गया हमारा
इथाइल हैलाइड और उसके बाद में आएगा सेकेंडरी, कोई भी सेकेंडरी ये ले लेते हैं सेकेंडरी, ये हमारा सेकेंडरी है, और फिर टर्सरी ले लेते हैं, ये लो ये टर्सरी आरएक्स है, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये है क्रियाशीलता का क्रम। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये मैंने लिखा है आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, इनका एसएन वन के लिए क्रम बताओ भाई मुझे, एसएन वन के लिए क्रम बताओ। इसको मैंने एक नंबर दिया, इसको दो नंबर दिया, इसको तीन नंबर दिया, इसको चार नंबर दिया, एसएन वन के लिए क्रम बताओ, क्रियाशीलता का क्रम। आर आई सबसे क्रियाशील होता है, एसएन वन के लिए क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम बताओ। आर आई सबसे ज्यादा होता है, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। अब एसएन टू के लिए बताओ, एसएन टू के लिए क्रियाशीलता का क्रम बताओ। बताओ, बताना तो पड़ेगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बोलो बोलो, यही होगा, यही होगा, यही होगा। क्यों भाई, क्यों भाई, यही क्यों होगा? क्योंकि यहां पर, यहां पर जो कारक है वो क्या है, हैलाइड चेंज हो रहा है। एल्किल ग्रुप तो सेम ही है, एल्किल ग्रुप तो सेम ही है, ठीक है। जब एल्किल ग्रुप चेंज होता तब हम जो इनका जो SN1 में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते, SN2 में त्रिविम बाधा देखते, ये कब देखते, जब एल्किल ग्रुप चेंज हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ पर एल्किल ग्रुप तो एक ही है, हैलोजन चेंज हो रहा है, देखो आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन है, हैलोजन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ जाएगा वो ये आएगा कि किस हैलोजन के केस में बंद ऊर्जा सबसे कम है। तो आयोडीन जब बंद बनाता है कार्बन के साथ, उसकी बंद लंबाई काफी ज्यादा होती है, तो बंद ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। ये मैंने बताया हुआ है, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप, यह है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यह आसानी से छोड़ करके भागता है आर एक्स को। ठीक है, वो इसलिए भागता है क्योंकि ये जो सी आई की जो बंद ऊर्जा होती है आयोडो एल्केन में, वो सबसे कम होती है, और बॉन्डिंग एनर्जी सबसे कम होने की वजह से आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। इसलिए चाहे अभिक्रिया SN1 हो, चाहे SN2 हो, यदि एल्काइल ग्रुप सेम है तो हमेशा ही आयोडो एल्केन की क्रियाशीलता अधिक होगी ब्रोमो एल्केन से, क्लोरो एल्केन से और फ्लोरो एल्केन से। इसलिए यदि इनका क्रम आ जाता है तो चाहे SN1 हो, चाहे SN2 हो, हमेशा आयोडो एल्केन की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। और यदि अब वो ग्रुप चेंज है, एल्काइल ग्रुप चेंज है, तब वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब हम चलते हैं हमारी बुक में और देखते हैं हमारी बुक आखिर कहती है क्या। यस, ओके, हम आ गए SN2 में। अच्छा, वो एग्जांपल आप लोगों ने कर लिए? हाँ सर, एग्जांपल सारे हो गए। ये KCN AgCN का चक्कर समझ में आया कुछ, किसी को पता है क्या, कोई बता सकता है? KCN AgCN का चक्कर समझ में आया कुछ, बताओ। हाँ सर, क्या है बताओ? KCN में जो C है वो पहले बंद बनाता है, इसलिए एल्किल साइनाइड बन जाता है, और उसमें आइसोसाइनाइड में N पैक बंद बनाता है, इसलिए आइसोसाइनाइड बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इधर देखो भाई, इनकी राम कहानी देख लो, है ना, यहाँ थोड़ी सी कहानी है। ठीक है, ये तुमने सही, बिल्कुल सही उत्तर दिया है चंदा यादव ने। और अब हम देखते हैं, इसका एक सही उत्तर तुमने बता दिया है, एक उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो अभिक्रिया बता रहा हूँ वो एल्किल हैलाइड की KCN से। अब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, वो जो टेबल मैंने इसीलिए बताई थी शुरू शुरू में, उस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि हम KCN रिएजेंट लेंगे, अभिकर्मक लेंगे, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा CN माइनस। ठीक है, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, तो KCN क्या है कि आयनिक यौगिक है। अब आयनिक यौगिक में ये जो CN माइनस है ये फ्री रहता है, ये फ्री रहता है, तो कार्बन इससे बंद बनाता है, इससे, किससे, कार्बन से। इसका तो ये तो कार्बन ही है ना, CH3 का, है ना, CH3 का। ये देखो यहां इसका एग्जांपल लेते हैं, तो Cl से अब बंद बनाता है कार्बन,
है ना, कार्बन के थ्रू बंध बनता है इससे CH3 से, और ये देखो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड बना है, एल्किल साइनाइड बना है, ठीक है। यदि यहाँ रिएजेंट ले हम AgCN, ध्यान से देखो, यदि हम रिएजेंट ले KCN की जगह हम क्या लें, AgCN। अब देखो ये तो वही है CH3Cl अभी जो हमने लिया था वो KCN के साथ, है ना। AgCN लेंगे तो नाइट्रोजन बंध बना रहा है कार्बन से, देखो मतलब मॉलिक्यूल इधर से अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन से अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर। और वापस बता देता हूं, ये देख लो KCN लेंगे CH3Cl के साथ, KCN लेंगे, मैं इसको अलग से ही लिख देता हूं, कर्सर हमें मिल नहीं रहा है और ये मिल गया, ये लो ठीक है। तो हमारा यौगिक क्या था, CH3Cl, किसकी रिएक्शन कराई, KCN की, KCN की रिएक्शन कराई, तो CH3 से कौन बन गया, CN बन गया, एल्किल साइनाइड। यदि हम CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे किससे, बोलना जरा, दूसरा कौन सा है इसका पार्टनर, AgCN, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, CH3NC, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है ठीक है, और ये है साइनाइड, ये मिथाइल साइनाइड है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, और ये है साइनाइड ठीक है, हो गया। तो ये है, अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि KCN तो एक आयनिक है, क्या है ये, आयनिक यौगिक है, और यह सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, कौन, AgCN। इसलिए क्या हुआ, इसलिए यह हुआ कि KCN में K और CN के बीच का बंध टूट जाता है, और जिससे CN फ्री हो जाता है। अब CN फ्री हो जाता है पूरी तरह से, तो इसका कार्बन ही बंध बनाएगा CH3 से इसका कार्बन ही बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, वो एक मजबूत बंध बनता है कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में, सुन लो। इसलिए जब भी यदि कार्बन फ्री है तो कार्बन ही कार्बन से बंध बनाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा अधिक होती है, वो बंध अधिक स्थायी होता है, इसलिए CN जो जुड़ता है वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है। लेकिन AgCN में क्या है, देखो AgCN में ये जो बंध है यह सहसंयोजक बंध है, Ag और CN के बीच में ये टूटता नहीं है, यहाँ ये आयनिक बंध है ना, इसलिए टूट जाता है, यहाँ ये टूटता नहीं है। अब टूटता नहीं है तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है एक CN में, तो ये जो CH3+ है कार्बोकैटायन है ना जो बनता है, या फिर CH3Cl ले लो, इसको कैसे ही कर लो, तो नाइट्रोजन के थ्रू इसके इसके ऊपर आक्रमण होता है, इसलिए नाइट्रोजन उससे जुड़ता है और प्रोडक्ट बनता है CH3NC। बात समझ में आ गई, तो ये आइसोसाइनाइड बनता है और ये साइनाइड बन रहा है। तो ऐसा किस लिए हुआ, KCN की आयनिक प्रकृति होने की वजह से कार्बन परमाणु के थ्रू CH3 से बंध बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध अधिक स्थायी होता है कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में, और यहां पर मजबूरी में N के साथ बंध बनाना पड़ा किसको, CN को, तो इसलिए यहां पर बने आइसोसाइनाइड। मजबूरी में क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यहां पर कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन AG के साथ सहसंयोजक बंध बना करके बुक हुआ हुआ है ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन के थ्रू आक्रमण हुआ किस पे, CH3 पे। बात समझ में आई, तो ये यहाँ पर छोटी सी कहानी थी, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा हुआ है। और अब हम वापस चलते हैं हमारी बुक में, ये तो NCERT है, ये आ गई ठीक है। ये यहाँ पर देख लो भाई, KCN एक आयनिक प्रकृति का है, ये देखो आयनिक प्रकृति का है, और CN आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही के रूप में रोल अदा करता है ठीक है, और RCN बनते हैं। AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, नाइट्रोजन पर एकक इलेक्ट्रॉन युग्म होने के उपस्थित होने के कारण यह नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है, नाइट्रोजन से जुड़कर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और ये बनता क्यों है, इसका रीजन मैंने बता दिया कि कार्बन कार्बन बंध कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये राम कहानी होती है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलना जरा। हाँ सर आ गई। ओके ओके, जब आ ही गई है, जब आ ही गई है तो अगला हो गया, अगला अल्कोहल वाला हो गया। हाँ सर बताओ, अल्कोहल वाला हो गया ठीक है, क्रियाशीलता का क्रम तो आ ही गया, देखो ये रहा
ये क्रियाशीलता का क्रम है, इसका मतलब ये विक्रिया कौन सी हो गई, SN1 हो गई, क्योंकि ये क्रम तो SN1 में ही होता है, राइट। ठीक है, अगला एल्किल नाइट्राइट है ना, इसमें भी कोई चक्कर नहीं है, NO2 है, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा। अब यहां भी वही राम कहानी आ गई, बताओ, ये लो वही आ गया ना, यहाँ पे वहां पे KCN था और AgCN था, यहाँ पे KNO2 है और AgNO2 है, बात वो की वही आ गई। कौन सी आ गई, यहां पर नाइट्रोजन, अब यहां पर कार्बन के ऊपर कौन आक्रमण कर रहा है, ऑक्सीजन आक्रमण कर रहा है ना, और यहां पर कार्बन से कौन आक्रमण कर रहा है, नाइट्रोजन आक्रमण कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एजी के साथ बंधा हुआ है, ये KNO2 आयनिक है और ये सहसंयोजक है, इसलिए यहां पर ये ऑक्सीजन बुक है, इसलिए नाइट्रोजन के थ्रू आक्रमण हो रहा है। ठीक है, तो वो का वही देखो केस है, यहां पर मिथाइल नाइट्राइट बन रहा है ना, और यहां पर नाइट्रो एल्केन बन रहा है। ये देखो यहां पर आर से कौन बॉन्डेड हुआ, नाइट्रोजन, यहां पर आर से कौन बॉन्डेड हुआ, ऑक्सीजन। वहां पर ऑक्सीजन क्यों बॉन्डेड हुआ, क्योंकि NO2 कंप्लीट तरह से फ्री है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के थ्रू आक्रमण कर देता है, आर से बंध बना लेता है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जो बंध बनाने वाला था वो बेचारा एजी से बंधा हुआ है, संयोजक बंध है ना ये, तो है ना, एजी से बंधा हुआ है, एजी से बंधा हुआ है, तो अब नाइट्रोजन अपना काम करता है, नाइट्रोजन अटैक करता है आर के ऊपर और नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाता है, ये लो, इनको बोलते हैं नाइट्रोएल्केन। ठीक है, तो ये सेम केस है, KCN AgCN का जो केस था ना, यहां पर भी वो का वही केस है, इसलिए इन्होंने यहाँ रीजन नहीं लिखा, क्योंकि इनको पता है रीजन हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, ईथर का निर्माण करा सकते हो, ईथर वाले में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, Ag2O से रिएक्शन करवाएंगे तो डाइएथिल ईथर बनता है, और इसको कोई अभिक्रिया भी बोलते हैं क्या, नाम रिएक्शन है क्या, है कोई विलियमसन संश्लेषण, ये विलियमसन संश्लेषण आ गया भाई, ये रहा विलियमसन संश्लेषण, सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे यदि किसकी, इथाइल क्लोराइड की, तो ये डाइएथिल ईथर बनता है, ये हम अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, उसमें ईथर अल्कोहल और ईथर आता है। अब ये थायो ईथर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एल्केन थायोल ये सब इजी इजी रिएक्शन है, किस रिएक्शन में दिक्कत आई क्या बताओ, नहीं सर किसे में दिक्कत नहीं आई, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गई, नहीं सर फ्रिडेल क्राफ्ट नहीं सर। अच्छा फ्रिडेल क्राफ्ट हमने करी हुई है क्या बताओ जरा, ये अभिक्रिया हमने करी हुई है क्या, कहीं जानी पहचानी लग रही है क्या, ये बेंजीन की अभिक्रियाएं हमने देखी थी ना, तो ये बेंजीन का क्या हो रहा है, देखो बेंजीन की हमने कौन कौन सी अभिक्रिया देखी थी, नाइट्रीकरण है ना, नाइट्रीकरण में क्या क्या बनता है, देखो नाइट्रीकरण में मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन का एक होता है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में कौन सा ग्रुप अटैच होता है, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। एक होता है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में जो हैलोजन लेंगे वही अटैच हो जाएगा, जैसे हमने लिया क्लोरीन तो बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक होता है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण था क्या, फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्किलीकरण को फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, ये देखो एल्किलीकरण यहाँ लिखा हुआ भी है ना, तो बेंजीन का एल्किलीकरण हो जाता है, एल्किलीकरण में बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह है जुड़ जाता है और एल्किल बेंजीन प्रोडक्ट बन जाता है, ये देखो मैंने गोला बना दिया उसमें। अब एल्किलीकरण कैसे होता है, एल्किलीकरण जो अभिक्रिया होती है वो एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम है फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कैसे होती है भाई, यदि आपको हैलोजनीकरण याद है तो हैलोजनीकरण में रिएजेंट क्या थे, किसी को ध्यान है क्या, हैलोजनीकरण में क्या रिएजेंट थे, मैं लिखता हूं, हैलोजनीकरण में रिएजेंट थे ClCl यानी कि Cl2 प्लस निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस यानी कि निर्जल, ये थे है ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो एक Cl है ना इसकी जगह CH3 लगा देना, यदि आप हैलोजनीकरण लेंगे, देखो मैं बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग इसको समझ लेंगे तो आपको ये समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी है ना। बेंजीन का देखो यदि आप, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, यदि आप इसको समझ करके चलोगे तो आप लोगों को लगेगा ये कुछ भी नहीं है ना। तो हम हैलोजनीकरण कराते हैं, हैलोजनीकरण में ClCl और AlCl3, ये निर्जल है भाई है ना, मैं निर्जल लिख नहीं पाऊंगा, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें हैलोजनीकरण हो गया तो क्या बना, बनना क्या है, क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। अब आपको करना कुछ ही नहीं है, ये जो एक Cl है ना इसकी जगह CH3 रख दो, Cl और वही आपका निर्जल AlCl3, ठीक है। अब क्या होगा, अभी ये क्लोरीन जुड़ रहा था यहां पर, तो अभी क्लोरीन की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन में, तो क्या प्रोडक्ट बना, ये लो, इसमें रटने का तो कुछ है ही नहीं, समझो और एंजॉय करो, ये लो मिथाइल बेंजीन बन गया,
इसको बोलते हैं फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये हैलोजनीकरण है, ये है फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण भी बोलते हैं इसको, मेथेल बेंजीन बन गया, एल्किल बेंजीन बन गया, ठीक है। तो यदि हैलोजनीकरण याद है तो इसका मतलब फ्रिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी याद है, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बना, ये देखो मिथाइल बेंजीन बना जिसको हम टोलुइन बोलते हैं, है ना, टोलुइन बोलते हैं इसको। ये लो, अब इन्होंने क्या किया, CH3 यहां पे लिया एल्किल ग्रुप तो यहां CH3 जोड़ दिया, यहां पर इथाइल लिया तो यहां पर इथाइल जोड़ दिया, इथाइल बेंजीन बन गया। ये लो, कहां दिक्कत है, है ना, मतलब कुछ भी जोड़ दो वही जुड़ जाएगा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा भाई इथाइल की जगह 2-प्रोपाइल ले लो, तो ये लो फिर 2-प्रोपाइल बन जुड़ गया यहां पर। ऐसे की ऐसे, मतलब जहां से सीएल जुड़ा हुआ है, देखो इस बंद से सीएल जुड़ा हुआ है ना, यही बंद जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, ये बंद। आप इसको यहां से नहीं जोड़ सकते, यहां से नहीं जोड़ सकते आप इसको, मतलब इसमें इस रिएक्शन में यदि आप ये प्रोडक्ट बना दोगे गलती से, ये वाला बना दोगे CH2 CH2 CH3, यदि इस तरह से जोड़ दोगे, नंबर एक कार्बन से जोड़ दोगे बेंजीन रिंग को, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन तो बेचारा नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है ना, हेलोजन क्लोरीन है वो नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन यदि नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है, ये देखो मैंने वापस हटा दिया, हेलोजन यदि नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है तो नंबर 2 पे ही बेंजीन जुड़ेगा और बनेगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप हो गया आइसोप्रोपिल, और एल्किल समूहों के नाम सबके मैंने बताए हुए हैं, इसलिए जो जो चीज काम आएगी वो मैंने सारी पहले बता चुका हूं मैं, है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि इन क्लासेस को बड़े ध्यान से लेना है, क्योंकि हम जो चीज सीख रहे हैं वो बार बार हमारे काम आएगी। ये लो भाई, अब इसका, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, लॉजिक काम करता है यहाँ पर। अब इसका प्रोडक्ट कौन नहीं बना सकता तुम लोगों में से, मेरे को लगता है सारे बना सकते हैं, कौन नहीं बना सकता, जब तुमको पता चल गया कि जिस जहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है बस इसको हटाना है और यहाँ बेंजीन रिंग जोड़ना है, कुछ नहीं करना और। समझ में आ रहा है, मुश्किल है या आसान है बताओ? आसान, आसान है। यदि समझ लोगे तो आसान है, और नहीं समझोगे तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, ये बोलेगा इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसको कैसे करेंगे, तृतीय एल्किल हैलाइड आ गया ये तो समझ में नहीं आ रहा, यदि मिथाइल हैलाइड आ जाता तो मैं फिर भी कर देता ऐसा लगता है। लेकिन यदि समझ लोगे कि करना कुछ ही नहीं है, ये यहां पर एल्किल हैलाइड ये जो ग्रुप है ना, यहां पर मैं कह रहा हूं एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो, यहाँ पर किसी ने ये रख दिया, मान लेते हैं एल्किलीकरण कराना है और कुछ ने रख दिया, कोई भी ग्रुप रख दिया, उसने कहा हमने यहाँ पर रख दिया क्या बोलते हैं एबीसी रख दिया, ये लो एबीसी रख दिया और ये सीएल है, और कह दिया एबीसी आपका एल्काइल ग्रुप है, तो हमें क्या करना है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, एल्किलीकरण होगा एबीसी एल्काइल ग्रुप है तो हम बेंजीन के ऊपर एबीसी जोड़ देंगे, हमें क्या करना है। ये लो सी से क्लोरीन जुड़ा है ना, ये लो यहाँ पे सी और यहाँ पे बी यहाँ पे ए, बस हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक चलता है, यदि लॉजिक आपने सीख लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इसका नाम देखो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, क्यों भाई तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन क्यों, क्योंकि तृतीयक ब्यूटिल इस एल्किल समूह का नाम है, इसका नाम तृतीयक ब्यूटिल है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्किल समूह के नाम आपको पता होंगे, कोई ऐसा है क्या जिसको एल्किल समूह के नाम नहीं पता हो? अब इसकी क्रियाविधि में किसी को दिक्कत है क्या, कोई बोलना जरा, क्रियाविधि इन्होंने किसकी बताई है, तृतीयक ब्यूटिल वाले की बताई है, कोई बात नहीं, क्रियाविधि भी इसकी बहुत इजी है मेरे ख्याल से, हमने क्रियाविधि की बात करी हुई है क्या, बताना जरा। क्रियाविधि की हमने बात करी हुई है क्या, बोलो, पन्ने मत पलटो, इधर देखो, AlCl4- और CH3+, ये लो। अच्छा, ये तो पता ही है बेंजीन रिंग से जो जुड़ता है वही इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये तो याद है ना कि एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया देते हैं, कौन सी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बोलना जरा, प्रतिस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के उससे जुड़ता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा होता है, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है, उसके उसका अष्टक अपूर्ण हो, है ना, कुछ तो हो इलेक्ट्रॉनों की कमी, वही तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, वो जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ता है। तो ये पहली स्टेप है, देखो ये CH3Cl लिया, AlCl3 निर्जल हमारे पास है ही, इनकी अभिक्रिया होगी और Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन समेट करके आ जाएगा AlCl3 के पास, क्योंकि AlCl3 में एल्यूमिनियम का अष्टक पूर्ण नहीं है, ध्यान से देखो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसको भी अष्टक पूर्ण करना है, तो ये जो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है Cl- के रूप में, AlCl3 उसका स्वागत करता है और अपने साथ जोड़ लेता है, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करना है ना। अब
सीएल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया तो सी एच थ्री तो बिना इलेक्ट्रॉन के हो गया ना, बिना इलेक्ट्रॉन के हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ गई है ना, क्यों भाई ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? ध्यान से देखो, समझोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो बंध मैं जहां बना रहा हूं, जहां मेरा कर्सर चल रहा है अभी CH3Cl के बीच में, ये सहसंयोजक बंध है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl का है और एक इलेक्ट्रॉन CH3 का है, CH3 वाले जो कार्बन है ना उसका है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यदि Cl के पास आ जाएंगे तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा ही रहा है, साथ में किसका इलेक्ट्रॉन ले गया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कार्बन के पास एक कमी हो गई और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है, रटना कुछ ही नहीं है, यदि समझ लोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये जो CH3 है ये बेंजीन रिंग के पास गया और बेंजीन रिंग पे किया आक्रमण। क्यों भाई बेंजीन रिंग पे आक्रमण क्यों करेगा ये? क्योंकि बेंजीन रिंग में होते हैं 3 पाई बंध जिनकी इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसानी से होता है अवेलेबल, है ना। ये कहते हैं कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, बेंजीन रिंग ये कहती है इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन स्नेही को, कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस आ जाओ, इलेक्ट्रॉन हमारे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इसलिए ये अब ये इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो ये गया बेंजीन, बेंजीन के पास, है ना, बेंजीन पे आक्रमण करेगा। यहाँ हम एक हाइड्रोजन पहले से बना देते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ आक्रमण करेगा, है ना, तो ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे निकल करके बाहर। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे और क्या होगा, ये देखो अब तो जो होगा वो आपके सामने है। हाइड्रोजन को हमने हाथ ही नहीं लगाया और यहाँ पे हमने CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे एक प्लस पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाहर निकल गए। तो इस कार्बन से जहां मेरा कर्सर है, जहां मैंने टिक किया है, यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, इस कार्बन के साथ तो भी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको कवर करने के लिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो अगली जो संकरण, अगली जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, ये सबको पता है क्या? आगे की राम कहानी बताना जरा। कोई ऐसा है क्या जिसको अनुनादी संरचनाएं पता नहीं हो इसकी? ये लो बोलो भाई, बोलते रहो। कोई ऐसा है क्या जिसको पता नहीं हो, क्योंकि हम ये दूसरी बार कर रहे हैं। ये बंद वापस फिर यहां आएगा, हाँ, कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है? नो सर, कोई नहीं है ऐसा। गुड गुड, तो फिर बाद में क्या होगा, इसमें अनुनादी संकर बनेगा और वापस ये बंद बन जाएगा और ये जो ये है ना, एक प्रोटॉन माइनस हो जाएगा। कैसे? इस बंद के अब यहाँ आएंगे, यहाँ आकर के प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और यहाँ बंद वापस बन जाएगा और ये लो भाई ये प्रोडक्ट बन गया। कहाँ दिक्कत है, बताते बताते तो ये प्रोडक्ट ही बन गया, तुम लोगों ने हाँ ना की उतने में तो प्रोडक्ट बन गया। ये लो बन गया प्रोडक्ट। 3 स्टेप होते हैं, पहले में इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, यदि आपने पढ़ लिया हो तो। ये लो पहले में इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे में आक्रमण करके एरिनियम कैटायन बनाया और एरिनियम कैटायन फिर प्रोटॉन रिमूव करके, प्रोटॉन का त्याग करके प्रोडक्ट बनाता है। अब हम चलते हैं हमारी बुक में, कहाँ दिक्कत है इसमें, सब कुछ बहुत ईजी है यदि समझ लेंगे तो। ये लो, अच्छा हमने यहाँ CH3 लिया है, इसने तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप लिया है, और तो कुछ अंतर ही नहीं है ना। ये देखो और तो कुछ अंतर ही नहीं है, इसने बस एल्काइल ग्रुप चेंज किया है, और तो कुछ अंतर नहीं है, सारी अभिक्रिया वैसे की वैसी है, वैसे की वैसी 3 संरचनाएं है, ये रही वैसे की वैसे, इनका अनुनादी संकर है, ये रहा, बाद में प्रोटॉन मूव हो रहा है ना, प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, जो ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोनियम आयन बनता है उसको एरिनियम आयन कहते हैं। कौन सा कार्बोनियम आयन? ये वाला। उफ, तो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, आखिर आप लोगों को क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे कुछ तो। अच्छा मैं कौन सी बुक चला रहा हूं इसका पता है? एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोगों की जो बुक है वो बिगाड़ के रख दी गई है ना, ये एकदम बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक बुक है, कहीं कोई गलती नहीं है, है ना, कहीं भी कोई गलती नहीं है, और क्वेश्चन है जोरदार जोरदार। ये लो भाई हमारे सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया जिसको मैं आप लोगों को से उत्तर छुपा लेता हूँ। ये लो, अब मैंने 10.6 जो इसका उदाहरण है एनसीईआरटी का वो आपके सामने है। यौगिकों में युगलों में से कौन सा SN2 के लिए, भाई SN2 के लिए क्रियाशीलता बतानी है, जल्दी जल्दी बता दो अब SN2 के लिए फास्ट। हम्म,
SN2 के लिए मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा दो नंबर है, यहां पे भी कर देता हूं एक नंबर दो नंबर। फटाफट बता दो मुझे अब भाई किसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, एक नंबर कौन तीव्रता से देगा। अगले ने साफ साफ पूछा हुआ है किस में, पहले युगल में दूसरे क्या में? चलो दूसरे में, पहले दूसरे का फैसला कर लेते हैं। दूसरे में तो एक नंबर की आएगी क्योंकि यहाँ पे आयोडीन आ गया ना, और आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से छोड़ के भागता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक है। अब इसका बता दो मुझे, पहले युगल का बता दो, पहला इसका बताओ, पहला SN2 के लिए किसकी, पहले की, पहले की, क्योंकि SN2 क्या कहता है, SN2 ये कहता है कि टर्शियरी की क्रियाशीलता सबसे, बोलना जरा, कम होती है। जब टर्शियरी की सबसे कम होती है तो ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शियरी की, तो प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ देखते हैं और पहचानते हैं, तो ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी सेकेंडरी है, तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी होगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी कार्बन होगा, कार्बोकैटायन होगा। अब बता दो भाई, ठीक है, वैसे भी तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, त्रिविम बाधा कम है, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम ज्यादा होती है SN2 के लिए, तो ऐसी इसमें इस ये जो एक नंबर है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, है ना, प्रथम युगल में। अब ये देखो कारण लिखा हुआ है, यह प्रथम प्राथमिक हैलाइड है, अतः इस SN2 तीव्रता से देगा, और आयोडीन बड़े आकार के कारण बेहतर अवशिष्ट समूह है, इसलिए द्रुत वेग से निकल जाएगा, ये देखो शुद्ध हिंदी, है ना, और नाभिक स्नेही को नाभिक रागी कहते हैं, शुद्ध हिंदी एकदम, एनसीआरटी मतलब शुद्ध हिंदी, हिंदी वालों को भी समझ में नहीं आया ऐसे हिंदी होती है ये, बड़ी खतरनाक। यस, अब ये देखो ब्रोमोब्यूटेन के चार समावयवी हैं, SN1 और SN2 का ऑर्डर देना है आपको, ठीक है, तो ये दे सकते हो क्या, ब्रोमोब्यूटेन के चार समावयवी पहले तो बनाने आने चाहिए ना हमको, बात सही है कि नहीं है, पहले तो चार समावयवी भी बनाने आने चाहिए ना, इसीलिए तो एनसीआरटी वाले जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिनमें क्वेश्चन में क्वेश्चन हो, मतलब इन्होंने कह दिया ब्रोमोब्यूटेन जो है, ब्रोमोब्यूटेन यानी कि C4H, बोलना जरा, C4H कितना, H9Br, H9Br, ये हो गया ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, तो ब्रोमोब्यूटेन के पहले तो हमें चार समावय भी बनाने पड़ेंगे, फिर SN1 SN2 का ऑर्डर देंगे, तो ले लो भाई मैं बना देता हूँ, मेरे साथ देखते जाओ फटाफट कैसे बनाता हूँ मैं। सबसे पहले कार्बन की एक स्ट्रेट रिंग ली, ये लो, ये मैंने बना दिया 1-bromobutane, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नंबर दे देते हैं 1। उसके बाद में मैंने अगला समावय भी बनाया, ये लो, ये हो गया 2-bromobutane, इसको नंबर दे देते हैं 2। उसके बाद में एक और बना देते हैं, ये लो, ये लो और ये लो, इसको नंबर दे देते हैं 3। ये है 2-methyl propane, ठीक है, तो ब्रोमोब्यूटेन के तीन समावय भी बनते हैं, वहां कितने बताया हुआ है, चार समावय बताए हुए हैं क्या, चलो फिर एक और बना देते हैं, जब उन्होंने कही दिया तो, ये लो, ये लो, ये लो भाई, एक और ये अलग है, बिल्कुल देख लो चाहे तो, है ना, तो ये हो गया 1-bromo 2-methyl propane, ठीक है, ये हो गया चौथा समावय भी, ठीक है, अब ये चार समावय भी हो गए, अब इनमें SN1 का ऑर्डर बताना है। SN1 में जानती है, पूरी दुनिया जानती है, SN1 में टर्शियरी RX की क्रियाशीलता अधिक होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, हो गया, तो सबसे पहले टर्शियरी बताओ भाई, SN1 का ऑर्डर ले रहे हैं हम, SN1 में टर्शियरी कौन सा है, जल्दी बताओ, तीन नंबर की क्रियाशीलता अधिक हुई, फिर किसकी होगी, टर्शियरी के बाद सेकेंडरी की अधिक होगी, सेकेंडरी कौन सा है, चार नंबर सेकेंडरी कैसे हुआ, देखो भाई यही मैं चीज तुम लोगों को बार बार कहता हूं कि बेसिक समझा करो, वो कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी होता है, तो ब्रोमीन कौन से कार्बन से जुड़ा है, ब्रोमीन तो बेचारा इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, और ये आगे सिर्फ एक से ही जुड़ा है, इससे तो ये एक ही जुड़ा है ना, तो ये तो प्राइमरी कार्बन हो गया बेचारा, और प्राइमरी से ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये वो प्राइमरी RX हो गया, तो यहाँ पर सेकेंडरी RX कौन सा है, सेकेंडरी RX तो एक ही है, दो नंबर, ये सेकेंडरी RX है, ये है सेकेंडरी RX, ठीक है, तो अब यहाँ पर दो नंबर आएगा, दो नंबर की क्रियाशीलता कम है, अब ये जो प्राइमरी दोनों है, एक नंबर भी प्राइमरी है और चार नंबर भी प्राइमरी है,
अब इनमें हमें देखना होगा कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व किसका ज्यादा है, क्योंकि SN1 में इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कार्बोकैटायन का स्थायित्व। जिसमें कार्बोकैटायन का स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता होती है ज्यादा, इसलिए टर्शरी का स्थायित्व अधिक होता है, हमने लिया इसको सबसे ज्यादा। फिर सेकेंडरी, अब प्राइमरी, इन दोनों में लड़ाई होगी, इसमें एक नंबर में और चार नंबर में लड़ाई होगी, है ना। अब हमें देखना है, फैसला हमें करना है कि किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है। तो भाई मैं यहाँ दोनों का कार्बोकैटायन बना देता हूँ, ये आप लोग बताओगे अब किसका किसका स्थायी होता है। वन नंबर में तो ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा और चार नंबर में बनेगा ऐसा कार्बोकैटायन, और ये लो ये बनेगा चार नंबर में कार्बोकैटायन। अब बताओ भाई कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी है, जो स्थायी है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, ये लो भाई। अब ये तो क्वेश्चन में आ गया, यही तो एनसीईआरटी है। चार ब्रोमो, चार समावयवी कह दिया, अब हमें समावयवी बनाने आने चाहिए, ठीक है, बनाना आ गया। अब कार्बोकैटायन का स्थायित्व पता होना चाहिए, गाड़ी यहां अटक गई हमारी, बताओ बोलो किस कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक है। अब ये कार्बोकैटायन का स्थायित्व ये कहां चला गया, ये तो क्लास 11 में चला गया। जो चार नंबर कार्बोकैटायन है उसका स्थायित्व अधिक है क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट अधिक है। ये जो ग्रुप है ना, है ना, इस तरह का सेकेंडरी जो प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक है बजाय कि इसके जो एन प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, उसके उसके तुलना में ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका प्लस आई इफेक्ट अधिक होने की वजह से जो चार नंबर कार्बोकैटायन है वो अधिक स्थायी है, इसलिए चार नंबर आएगा अब और एक नंबर की क्रियाशीलता है सबसे कम। ये SN1 का ऑर्डर हो गया। अब SN2 का ऑर्डर बताओ, बोलो SN2 के ऑर्डर में। अब SN2 में पता है ना टर्शियरी RX की सबसे कम क्रियाशीलता होती है, प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है। तो बताओ फिर, बता भी दो इसका इसका उल्टा होगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पक्की बात है? हाँ। यस, ये किसने कहा? हाँ बताओ, बिल्कुल फिक्स उल्टा होगा क्या SN2 का? बिल्कुल बिल्कुल फिक्स उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन दोनों प्राइमरी में बात करेंगे, तो प्राइमरी में त्रिविम बाधा सबसे कम इसमें है, एक नंबर में सबसे कम है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप सीधा है ना, इसलिए यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है। ये एल्काइल ग्रुप बड़ी साइज का है ना, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है इस कार्बन के पास में, इसलिए यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा है चार नंबर में। तो सबसे कम रिएक्टिविटी एक नंबर की है, उसके बाद चार नंबर है क्योंकि ये दोनों प्राइमरी है। अब सेकेंडरी आ गया दो नंबर, अब तीन नंबर आ गया टर्शरी। टर्शरी में सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा है क्योंकि उसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जो न्यूक्लियोफाइल को पास में नहीं आने देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? इसे कहते हैं NCERT। क्या कहते हैं? NCERT। NCERT, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है बेचारों ने समझाने के लिए, है ना। ये इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि टर्शरी वालों में त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा है, यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा होने की वजह से इनकी क्रियाशीलता देखो जीरो हो गई, है ना। इतना अच्छा डायग्राम होने से भी हम NCERT नहीं पढ़ते हैं, बताओ क्या करें आखिर। चलो मैं एक सवाल और पूछने वाला हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये देखो SN2 अभिक्रिया इस तरह की होती है भाई, SN2 अभिक्रिया इस तरह की होती है, ये इधर से इसने अटैक किया, इधर से अटैक किया, तो ये इस तरह की संक्रमण अवस्था बन गई। ये देख लो, ये बंद और ये बंद आंशिक रूप से बने हुए हैं, पूरी तरह से नहीं बने हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, OH वाला बंद बन गया और CL अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, CL अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया। अब CL ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया CL, तो देख लो भाई ओरिएंटेशन उल्टा हो गया मॉलिक्यूल का। जो मॉलिक्यूल पहले इस तरह से था अब वो हो गया इस तरह से, देख लो चाहे तो, है ना। ये देखो ये ओरिएंटेशन उल्टा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, ठीक है। ये आपके वो KCN और AGCN वाला क्वेश्चन, ये लो KCN और AGCN क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, देखो राजस्थान बोर्ड और इसका कितना अंतर है, क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर देखो जो मैंने बात बताई ना, क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन CN आबंध की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, ये लाइन राजस्थान बोर्ड ने नहीं लिखी है, नहीं लिखी है ना।
ये तो समझा है नहीं, उन्होंने तो सीधा लिख दिया AgCN मुख्यतः संयोजक प्रकृति का होता है, इसका नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करने में सक्षम होता है इसलिए ये बनता है, सीधा लिख दिया है। ये जो मेन कारण है कि क्यों भाई क्यों AgCN में नाइट्रोजन बंद बनाता है और क्यों उसमें कार्बन बंद बनाता है, भाई देखो सीधा सा है क्वेश्चन, KCN में CN माइनस फ्री हो जाता है, अब CN माइनस में कार्बन ही क्यों आक्रमण करे, नाइट्रोजन भी तो कर सकता है, ठीक है, तो कार्बन इसलिए आक्रमण करे क्योंकि कार्बन कार्बन बंद कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो मुख्य उत्तर जो है ना इस प्रश्न का वो ये लाइन है, ठीक है, और जो आपकी बुक में गायब है ना। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो CN लिगेंड का केस आया, ठीक है, ये जो NO2 लिगेंड का केस आया, दोनों ही AgNO2 और KNO2 आया था ना एक और केस, ये दोनों के दोनों ही उभयदंतु नाभिक रागी हैं, उभयदंतु नाभिक स्नेही है, उभयदंती नाभिक स्नेही कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं परंतु एक बार में ये एक से ही बंध बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो CN का केस यहां पर बताया हुआ है, CN में नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर भी माइनस चार्ज आ सकता है और इसकी दूसरी अनुनादी संरचना में नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब यह है कार्बन के थ्रू भी बंद बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बंद बना सकता है, ठीक है, दोनों संभावनाएं हैं। ऐसे नाभिक स्नेही को उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। उभयदंती मतलब इनमें दाता परमाणु तो दो होते हैं लेकिन एक बार में ये एक से ही बंद बना सकते हैं, इन्हें उभयदंती नाभिक स्नेही बोलते हैं। ये है क्या आपकी बुक में? ये वो AgNO2 वाला ले लो, ये वो AgNO2 वाला, ये टेबल मैंने दिखा दी थी आपको, एक्चुअल में कई बार मैं ये टेबल दिखा चुका हूँ कि ये टेबल बहुत काम की है। ये AgCN KCN का केस है, ये देख लो, एक में CN बन रहा है, एक में आइसोसाइनाइड बन रहा है, ये KNO2 और AgNO2 का आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से लिया हुआ है, ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है, ये एल्किल नाइट्राइट है, ये नाइट्रो एल्केन है, कहानी वही है, ठीक है। अब मैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन ये दिखाना चाहता था, क्वेश्चन है आपके सामने, अब ये क्वेश्चन सोल्व करो और आज की क्लास खत्म करो। बताओ, यही तो है एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की बुक थोड़ी ना है, चैप्टर पूरा पढ़ लिया और बल्ले बल्ले, यहाँ पर चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, चैप्टर के बीच में ही क्वेश्चन है, उनको सोल्व करोगे तो पढ़ लोगे, नहीं तो बल्ले बल्ले तो होनी है। बताओ अब, क्या क्वेश्चन है? कथनांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखना है। ये लो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, ऐसे तो आप लोग कर नहीं पाओगे ना, नंबरिंग दे देता हूँ 2 3 4, ये लो। अब बताओ भाई, सबसे पहले एक नंबर में, ये जो एक नंबर क्वेश्चन है इसमें बढ़ता हुआ क्रम बताओ कथनांकों का। बोलो भाई। अब मैं एक अंतिम चीज बता देता हूँ, क्लास को काफी टाइम हो गया है ना, ये क्वेश्चन तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी कोशिश करना सोल्व करने की, इसकी बात करेंगे हम परसों, कल की हमारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब मैं एक चीज, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं जो चीज आप लोगों को इस प्रश्न के माध्यम से बताना चाहता हूं वो ये है कि सीखने का मतलब क्या है, सुन लो, इसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। सीखने का मतलब है, यदि आपने कोई चीज सीख ली और यदि आप उसको उसके दम पर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपने पूरी तरह से वो चीज सीखी नहीं है, सीखी नहीं है। बात समझ में आई? इसका मतलब है आपने रटी है। यदि आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है और उस कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप प्रश्न का हल नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब है आपने वो चीज रटी है, आपने वो चीज सीखी नहीं है। तो चीजों को रटना बंद करो, चीजों को सीखना शुरू करो, ताकि उनके दम पे तुम किसी भी क्वेश्चन का उत्तर निकाल पाओ। बात, हमने क्वथनांक का टॉपिक डिस्कशन कर लिया ना, और हमने देख लिया वंडरवाल जो आकर्षण बल होते हैं वो कब बढ़ते हैं और कब बढ़ते हैं और कैसे बढ़ते हैं, और जब वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ते हैं तो क्वथनांक बढ़ते हैं, और वांडरवाल के लिए हमने दो फैक्टर देखे थे, एक तो मॉलिक्यूल की जो सतह का सतह का क्षेत्रफल है ना, अणु की सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वांडरवाल बल ज्यादा होते हैं, एक अणु का अणुभार ज्यादा होता है तो वांडरवाल बल ज्यादा होता है, और वांडरवाल बल ज्यादा होता है तो क्वथनांक ज्यादा होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। अब इसके दम पे ये दोनों क्वेश्चन सोल्व होंगे, हिंट मैंने आपको बता दिया है ना, अब आप देखते रहना कि अणुभार किसका ज्यादा है और सतह का क्षेत्रफल किसका ज्यादा है,
ठीक है, इनके उत्तर के साथ मिलेंगे हम लोग सोमवार को। और वापस अंतिम बात वही रिपीट कर रहा हूं, सीखना शुरू करो, रटना बंद करो। सीखना शुरू करो, ठीक है, यदि 10 चीजों को रट लोगे उसके बदले में 3 चीज भी सीख लोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन बताने से मेरा मतलब यही था कि हमें चीजों को सीखना है ताकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कर पाए। यदि हमने जो सीखा है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे इसका मतलब हमने सीखा नहीं है। हमने क्या किया है बोलना जरा, बोलो क्या किया है? रट लिया। लेकिन रटना नहीं है, जिंदगी रटने का नाम नहीं है, जिंदगी सीखने का नाम है। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, यही सच्चाई है। इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी ही नैया पार लग जाएगी। मिलते हैं सोमवार को। गुड नाइट।